बच्चों से दूर रहना, वरना ये बात मुझे नहीं, अपने बच्चों से कहो कि मुझसे दूर रहे। जाओ, कहो ना उनसे। खड़ी क्यों हो? जाओ। आदि, आदि, परी। मामा, आपने कहा था कि आप आ जाओगे काम करके, तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी? आदि, परी। मुझे किचन में काम था ना, इसलिए टाइम लग गया। आप दोनों सोए क्यों नहीं? मम्मा, आपने मेरी छोटी नहीं बनाई, कैसे सोती? ओह, छोटी। अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके। आदि, क्या हुआ? जब भी मम्मा मेरी दो चोटियां बनाती है तो फिर देवी माँ के रिबन से बांध देती है। परी बेटा, मैंने आपकी चोटियों को देवी माँ के धागे से बांध दिया है ताकि ये कंट्रोल में रहे। ताकि मेरी चोटी कंट्रोल में रहे। इस चूसे को मुझसे दूर रखो, वरना इसे यही भस्म कर दूंगी। आदि, कमरे में जाओ अपने। आदि बेटा, आदि, आदि। क्या हुआ आदि, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? वो बस आपको कहने आया था कि अब जल्दी आ जाए। ओके। आदि, चलो मम्मा आ रही है, तब तक हम कमरे में। ये कहाँ गए? हे भगवान, वो मेरा रूप लेकर कुछ भी कर सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो भस्मिका है पिया ने। हे भगवान, मैं क्या करूं? भस्मिका को कैसे रोकूं? हेलो मोहना, तुम सोच रही होगी पिया यहाँ क्या कर रही है, लेकिन मैं पिया नहीं, भस्मिका हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं तुम्हें फ्री करवाऊंगी। देखो, मैं आ गई। पापा, मैं एक बार चेक कर लेता।
पीछे सब ठीक है अंश? हाँ पापा, सब ठीक है। पापा एक काम करता हूँ, यही रुक जाता हूँ। ओके अंश। ओह नो, अगर अंश ने मुझे देख लिया तो इसे शक हो जाएगा कि मैं असली पिया नहीं हूँ। फिर पिया बनके अंश से शादी करने का मेरा प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा। आज से दुनिया की नजरों में पिया मैं और तुम हो के भी नहीं हो। हमें मोहना को मंत्रों से बांधना होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे आज से बरसों पहले बांधा था। और इसके लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमने तुम्हें बहुत मौके दिए सुधरने के, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर ही दी। इतिहास दोहराने के लिए 6 साल पहले हमने गलती की। अंश और पिया ने अपनी शक्तियां त्याग दी तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए, जबकि हमें उसी वक्त तुम्हें यहां बंद कर देना चाहिए था। लेकिन इस बार गलती तुमने की है मोहना, वापस आकर अब तुम यहीं बंद रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। अब यहां से तुम कभी नहीं निकल पाओगी और ना ही कोई काली शक्ति तुम्हें यहां से निकाल पाएगी। निशान जी, मोहना को मंत्र उच्चारण से हमेशा के लिए कैद करने में कितना समय लगेगा? एक दिन। एक दिन? भाई साहब, कोई आसान तरीका नहीं है जिससे ये जल्द से जल्द हो जाए। निशान जी, एक दिन में पता नहीं कितनी बार काली शक्तियां मोना को छुड़ाने की कोशिश करेंगी। जिस तरीके से मोना की मूर्ति चमक रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ मेत्री जी, लेकिन इस काम को इससे ज्यादा जल्दी करना पॉसिबल नहीं है। हमारे लिए संभव नहीं है निशान जी, पर देवी माँ के लिए सब कुछ संभव है। देवी माँ? देवी माँ तो कुछ भी कर सकती है, जल्दी करना देवी माँ। देवी माँ से यही प्रार्थना है कि इस टाइम की नजर कभी हमारे परिवार पर ना पड़े।